पैसा उसा लेके बिक गए ना जी, जादव के पैसा से खरीद ला औकात है, बहन चुके वह बिकेगा तो खरीद लेंगे। 1 करोड़ रुपया भी देगा तो उसको वोट नहीं देंगे। मतलब 1 करोड़ रुपया को आप ठुकरा दीजिएगा, लात मार दीजिएगा, वोट देंगे उसका पैसा पे बहन चुके। कोई युवा निशा में है, सबके निशा फाड़ दिए, उनके सबके निशा फट गया। ये बेचारा का भाई एगो है, सब शादियों ने हुआ रिटायर होके आवे वाला है। ओ अग्निवीर, हाँ अग्निवीर सबसे अभी अगुआ ही रहा था की घरे आ गया बेवकूफ लेकर चीर के। देखिए आरजेडी 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 रहेगा सरकार, किसी का रंगदारी तो जादू करेगा। विपक्ष में सब प्रोडक्ट है, यही सब पैदा होके गया है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं मगध मंच, और मगध मंच में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आज हम लोग निकल चुके हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत या फील्ड में, और यहाँ पे यहाँ के युवाओं को देख करके मेरे मन में एक विचार पैदा हुआ कि जा करके इनसे पूछूं और हाव भाव गमे कि हाँ यहाँ का माहौल क्या है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 1 जून से होने वाला है, सबसे लास्ट चरण में, 7वां चरण में। तो आज हम युवाओं से यहाँ बात करेंगे। जहानाबाद उसके सांसद हैं चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी का क्या इस बार माहौल है? माहौल क्या रहेगा उनका, वो कभी 5 साल जीते हैं, कभी मिले हैं, एक बार एवो ने किए हैं। आपको वोट दे दिए उसके बाद आज तक नजर नहीं आए? नजर भी नहीं आए हैं। तो फिर से उन्हीं को वोट दीजिएगा, बनाइएगा, क्या करिएगा? ये नहीं हो नहीं सकता है। अब यहाँ का सांसद रहेंगे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। सुरेंद्र यादव तो बोलता है कि बाहुबली नेता है, उनको आने से फिर भी वही जंगल राजा आ जाएगा 1999 वाला, सही बात है? ऐसा कोई बात नहीं है, वो सब अफवाह फैला रहे हैं लोग। चारू चालू है कि बंद? नहीं बताइए, सही बोलिएगा। नहीं चालू तो नहीं है, बंद है। हाँ। सही बोल रहे हैं। दारू चालू है, अभी जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। मतलब खुलेआम बिक रहा है दम दम, खुलेआम जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। कोई दम कुछ नहीं बंद, कुछ कुछ एकदम बढ़ा है दारू के रेट, बढ़ा दिया गया है यानी दारू खुलेआम बिक रहा है। दारू खुलेआम है, दारू बिक रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार मिल रहा है क्या अभी? ना। तेजस्वी जी के आने से क्या 17 महीने में लोगों को क्या फायदा मिला, थोड़ा बताइएगा मुझे। तेजस्वी जो जब वो मुख्यमंत्री बने थे 17 महीने के लिए, तो तेजस्वी जी से आप लोग खुश थे या नाराज थे? बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा बहाली भी निकाले हैं। तो बहाली निकाले हैं, आप खेल रहे हैं क्रिकेट, तो कैसे जॉब लीजिएगा ये बताइए? क्रिकेट को खेलना भी जरूरी है ना जी। हाँ, अभी आप सही बोले, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर रोजगार, हम क्रिकेट भी अच्छे तरीके से लगन से खेलते हैं तो इस क्षेत्र में भी मुझे रोजगार देने का काम करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को आने से रोजगार मिला है, ये मतलब सब लोग जान रहे हैं कि रोजगार देंगे तेजस्वी जी। जरूर देंगे, जरूर देंगे। एक नारा अभी बहुत ज्यादा मतलब वायरल हो रहा है, तेजस्वी मतलब रोजगार, क्या सही बात है? सही बात है। तेजस्वी मतलब नौकरी, क्या सही बात है? सही बात है। आप लोग इस बार अपना सांसद किसे बनाने जा रहे हैं? हम लोग सुरेंद्र यादव को बनाएंगे। सुरेंद्र यादव को बनाइएगा, यानी कि आप लोग मतलब ठान लिए कि हम सुरेंद्र यादव को सांसद बनाना है, चाहे वो विकास करें चाहे नहीं करें, यही ना? हाँ, विकास तो करेंगे, बनेंगे तो विकास करवे ना करेंगे जी। वो भी चंद्रवंशी जी ऐसे प्रतिमा थोड़ी है, वो संसदीय क्षेत्र में ना रहते हुए भी हर एक गांव में आते हैं, दौरा करते हैं, मिलते रहते हैं, तो बनला के बाद तो जरूर और मिलेंगे आकर के। यानी कि सुरेंद्र यादव से आप प्रभावित हैं आप लोग? हाँ, बहुत बहुत प्रभावित हैं। युवा लोग जैसे कि सुरेंद्र यादव को बहुत ज्यादा मानते हैं, सब कोई मानते हैं, सही बोल रहे हैं। सुरेंद्र यादव मतलब जीतेंगे तो काफी मतलब अच्छे तरीके से काम करेंगे, बहुत अच्छे वोट से भी जीतेंगे और काम भी करेंगे एकदम, और एकदम जीता देना है जी, एकदम जीता देना। इस बार माहौल आप लोग की तरफ किसका है, सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं या फिर चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी? उसका कहीं हवा है जी, ऐसे कैसे बात कर, जीत गए कैसे भैया? कौन? वही वही जीता है कि बेईमानी से जीता है, आपको पता है? सही में आपको नहीं पता है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराब बंदी है, क्या सही बात है? वो तो सब बोला कि 4000 सीट आ रहा है, तो आ रहा है माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे अभी 150 से पार नहीं होगा, 400। सही में तबरी सांसद किसको बना रहे हैं आप जहानाबाद लोकसभा से? सुरेंद्र यादव बन रहा है, कुछ शक है? एकदम कन्फर्म, एकदम मोहर मार दिए हुए हैं आप लोग, लग रहा है RJD के पूरा पैसा उसा लेके बिक गए ना जी, जादव के पैसा से खरीद ला औकात है, बहन चुके वह बिकेगा तो खरीद लेंगे। यादव को कोई खरीद नहीं सकता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र जो जहानाबाद है उसमें यादव लोग का बहुत ही ज्यादा वोट है, ये सर्वे कीजिएगा देखिएगा तो बहुत ज्यादा वोट है, यादव का वोट बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाला है लोकसभा जहानाबाद। सुरेंद्र यादव कोई सुरेंद्र यादव मतलब तेजस्वी यादव को आने से क्या बिहार में रोजगार मिलेगा? आपको नहीं पता चला कि मिला है कि नहीं मिला? आपने बताइएगा। मिला नहीं मिला, 17 महीना में कितना का रोजगार मिला? 4 लाख। 4 लाख के, अभी उप मुख्यमंत्री रहते भर में 17 महीना में 4 लाख, तो मुख्यमंत्री बनेंगे तो आओ रोजगार देंगे? पे तो गिनती है मत कीजिए, क्या होगा, एकदम तबड़तोड़ बहाली है। अभी निकाला है, नहीं देखे हैं उसका थे मैनिफेस्टो? हाँ। तो निकाले हैं, उस मैनिफेस्टो से आप लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं? इतना उस विपक्ष में सब RJD के प्रोडक्ट है, यही से पैदा होके गया। RJD के प्रोडक्ट है सब? तो क्या है, उसका बाप कहाँ था? RJD में, लालू जी में। नीतीश कुमार कहाँ था?
आरजेडी में। सबसे पहले वो कहाँ से मंत्री बन के गया था? आरजेडी से। तो इसी का प्रोडक्ट है ना, बाप बाप होता है बेटा बेटा। वही कहते हैं कि जंगल राजा आ जाएगा फिरो से, वही वाला। अरे कोई राजा सब यादव उसी कर लेगा, सही बात है भैया। तो क्या होगा, यादव सुन में कर रहा है, करेगा सरकार किसी का रंगदारी तो यादव करेगा ना। वोटिंग हो गया के दो चरण, तो उन लोग को एक दो सीट आएगा, नौ सीट में क्या एक दो सीट नहीं आएगा, दो हार्डली आएगा। गया में सुन रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रहा है, सामने आएगा तब आइएगा, एक बार और अपील लिख लीजिए, आपके पास जरूर आएंगे। हाँ तो आइएगा। पहला चरण में चार गो में खाता नहीं खुलने जा रहा है, एकदम चार गो में आरजेडी का सरकार बनने जा रहा है कन्फर्म। मोदी के एक आध गो भाषण इस बार के दिखा रहे हैं, कुछ है उसके पास मुद्दा? खाली मंदिर, खाली मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। तो हम अपने गाँव में मंदिर बना दिए तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं, उससे सब औरत बुढ़वा। यानी कि कहने का मतलब साफ साफ यह है कि अब सब लोग जाग चुके हैं, अब रोजगार जो देगा उसी को हम लोग सरकार में बनाने का काम करेंगे ना भैया। रोजगार देगा उसी को हम लोग जिताने का काम करेंगे, नहीं जाति, नहीं पाति, नहीं धर्म, नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद, जो रोजगार देगा उसी को हम लोग। जहानाबाद लोकसभा से सुरेंद्र यादव। चंद्रवंशी जी कैसे बन गए थे पिछला बार? पिछला बार वोट लोग दे दिया था अंधभक्ति में, अभी अभी अंधभक्ति दूर हो गया? दूर हो गया का, अंधभक्ति का पूरा नीचे फटल है हमनी के, क्या दूर होगा दोहरा के। सुरेंद्र यादव अब नीचे में हम लोग हैं, वही युवा निशा में, अब सबके निशा फाड़ दिए, सबके निशा फट गया ये बेचारा के भाई एगो है, सब शादियों हुआ रिटायर होकर आवे वाला है। ओ अग्निवीर। हाँ हाँ अग्निवीर सबसे अभी अगुआ ही रहा था की घरे आ गया बेग उग लेके। अग्निवीर हाँ भाई सही बात है, दिल चीर के देखिए आरजेडी 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 रहेगा। सही में इधर भैया इधर बोलिए ना, आरजेडी के इतना बड़ा फैन है, आरजेडी के फैन है, तो अभी किसको बनाने जा रहे सांसद आप लोग? ये सुरेंद्र यादव अपना। तो सुरेंद्र यादव कहता है कि बाहुबली नेता है, वो आएगा तो फिर जंगल राजा जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, सब जैसे चल रहा है चलेगा। आप लोग सही से रहिएगा ना, जादवे का तो ज्यादा टैंग वैंग करते हैं, कुछ नहीं करता है। करेंगे ना, खूने में गर्मी है, खून में गर्मी है, पढ़िएगा तो ना रोजगार मिलेगा। पढ़ रहे हैं ना, तेजस्वी जी आएंगे। अच्छा तेजस्वी मतलब नौकरी, आपका तेजस्वी मतलब रोजगार नौकरी। मोदी नीतीश एक भी मुद्दा उठाए हैं नौकरी पर, रोजगार पर नहीं, जो जो रोजगार का बात करेगा उसी के साथ उसी को था, उसी को वोट दीजिएगा, जो नौकरी देगा उसी को वोट दीजिएगा। मंदिर में जाकर खाली घंटा बजाएंगे, नौ पेट भर जाएगा। आप लोग समझ गए सिर्फ मुद्दा पर वोट देना है, विकास पर वोट देना, वोट देना। अब मंदिर मस्जिद सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम, एक करोड़ रुपया भी देगा तो उसको वोट नहीं देंगे, मतलब एक करोड़ रुपया को आप ठुकरा दीजिएगा, लात मार दीजिएगा, वोट देंगे उसका पैसा पे बहन चुद। अबे जो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में आए हुए थे तो यहाँ पे बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला, और सुरेंद्र यादव कुछ लोग मन में ठान लिए हैं कि इस बार सांसद बनाना है और बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव को।